व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम सुबह जो आवाज़ इन प्यारी प्यारी मंडे वाली सुबह से असर तमाम इंफॉर्मेटिव जी शन के सोचो डिस्कस करूँ तेज कर डॉक्टर सीमा के घुराया है हाँ अस जॉइन किया डॉक्टर साजिद सलामकुम डॉक्टर साहब कॉल है शायद ना ना कॉल नहीं सोच रहे हो घर थियो कॉल हो कॉल करे ता पूछ से बता नहीं कॉल जे मतलब छे भी तो मतलब सब ब्रेक ते आयो हां या पेंजी असा एको पेंजी गाली में असा बीच में गाल कटे देना पे सकू आए डॉक्टर आए पांजो आए डॉक्टर साजिद असा बीच में डॉक्टर साजिद जी तो व्यूअर्स की खबर है तो ऑलरेडी असा के तमाम इंफॉर्मेशन जेके असा के खबर ही ना आई हुंदी उनन के बारे में उन्होंने सके बुधायो हाने भी असा मतलब सोचू जरूर सिलसिलो ले तो बारन जी बिल्कुल हां यो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्टर साहब चाइल्ड काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे हम डॉक्टर सीमा से ऑलरेडी बात कर रहे थे आपका क्या ख्याल है बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है बेस होता है बच्चे की फाउंडेशन किसी चीज की बुनियाद रखते हैं तो उसको सही रखना चाहिए तो मेरे ख्याल से उन्होंने यही कहा होगा माँ की तरबियत सबसे प्राइमरी रोल होता है जब माँ नहीं होती है तो फिर उसके मतलब फैमिली में जो दूसरे मेंबर होते हैं उनका रोल होता है बच्चा जैसे ग्रोइंग होता है माँ की परवरिश पाता है फिर अपने घर की परवरिश पाता है फिर सराउंडिंग में जाता है फिर स्कूल और गोइंग जाता है तो हर जगह से वो गेन कर रहा होता है उसका जो बच्चा जो होता है कोई किसी का भी दिमाग जो होता है वो सादे वर्क की तरफ होता है ठीक जो आप लिखते जाएंगे वो फीड होता जाता है अच्छा सुबह सुबह को बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते जो कॉमन प्रॉब्लम है नहीं देखिए कॉमन प्रॉब्लम मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि देखें बात ये है कि बच्चों को तो प्रॉपर खुराक चाहिए उसकी लिमिटेशन नहीं होती है लेकिन हेल्दी डाइट अब आपके मार्जरीन खाते हैं बच्चे उमूमन देखा है डबल रोटी और मार्जरीन मैंने डबल रोटी के खिलाफ आपको कितना कुछ बताया बिल्कुल अब मैं मार्जरीन बोलता हूँ मार्जरीन इज अ ट्रांस फैटी एसिड ट्रांस फैटी एसिड में न्यूजीलैंड में रिसर्च हुआ था बच्चों पर जो उन्होंने रिसर्च करने का ये पता चला जो भी बच्चे ट्रांस फैटी एसिड इस्तेमाल करते हैं या मार्जरीन इस्तेमाल करते हैं उसका आईक्यू लेवल कम हो जाता है सही दैट इज साइंटिफिक बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ अच्छा यस आप घी दें मक्खन दें लेकिन ट्रांस फैटी एसिड ना इस्तेमाल करें जो जैसे ऑलरेडी आपने प्रोग्राम में कहा मैं बता चुका हूँ पहले भी वनस्पति घी हुआ मार्जरीन भी जो है वो भी ट्रांसफैटी एसिड है बहुत सारी कंपनियां बड़े शौक से बेच रही हैं बहुत ज्यादा ला रही हैं जबकि दुनिया में ये चीजें खत्म होती जा रही हैं बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हमारे मुल्क में वही चीज आ रही है जो दूसरे जगह से खत्म होती है अच्छा मैडम सीमा का सवाल करना जी को आजकल ये फैमिली है ना तो हस्बैंड वाइफ भाई जॉब तक है नहीं बाहर के को टाइम प्रॉपर ना तो मिले तो अच्छा होगा फैमिली टाइम अच्छा होगा बाहर जाए मदर अगर जॉब थी करे तो उनकी कोशिश करे तो वो जॉब ए टाइम दे बाहर अचन घर उन टाइम पे पा बची वनी है ठीक है पर अगर नथी कर सके मजबूर है मजबूर है तो पो एक टाइम ता डिनर टाइम दैट आइडियल टाइम है सो उनमें ये होता है जो हस्बैंड भी घर पे होता है समझो मदर भी घर पे होती है फादर भी घर पे होता है सब बाहर घर पे होता है तो डाइनिंग टेबल पे जो ता डिनर टाइम रखो ता उनमें ता मानी सब घर जी खाओ कोशिश के टीवी जो आवाज या तो बंद कर या तो टोटल टीवी बंद कर छोड़ो ठीक है अटेंशन जो बाहर जे ता घर जी हो तो बारन सा ये ता इन्फ्लुएंस कियो तो जे वा खबर ने पे ता संग कुछ बना खोटी खोटी का पूछ तो ना पिया बिल्कुल सुठे माहौल में एक जनक गाल देता शुरू कर के बेटा तबीयत बात तो स्कूल में तू छा पे करी या तो ये भी केरी एक्टिविटीज है टीचर छा छयो या फादर का गाल गडे तो स्पोर्ट्स के बारे में गाल क्यों था ये जनरल गाली हुंदा जे बार ता के पान सा अटैच कंदी यानी ता जो बार सा गड वदी ता अटैचमेंट थिंदो है ए बार उन सा ही हुंदा जो ता के सही ता के बुझाइंदो अम्मी आज ही थियो या चाहतो उनमें छा थिंदो कदे कदे एको मसलो हुंदा जो बार बिल्कुल शाय फील पे कंदो ना बुझा सकंदो है लेकिन जने भाब में अगर बार टे ता जे घर में ता जे बटे बार जी सपोर्ट के टे उनन के इच्छा जगह भी है तो अगर कोई ग्रुप पॉइंट कंदो तो उन सा रिलेटेड जरूर बी पॉइंट निकलंदी है बिल्कुल कोशिश करे तो टॉपिक ओ आ जे जको सपोज उनको बात आज बिल्कुल चुप कर बैठो है नथो गाल है मानी सही ना पे खाए तो उन टाइम पे ताऊ के चो बाबा अच्छा तो कोई प्रॉब्लम आए छा थियो या बुधा जी तो भाई उनके का भी गाल गड़ी तो भाई याद है उनके के सपोज तो फ्रेंड की धक लगो या छा थियो तो वो डडो के सूर पे थियो या उनको प्रॉब्लम थियो पे तो जी मदर साण बुधायो तो जी वो प्रॉब्लम साल थियो तो कान का गाल गड़ी ये कोई टॉपिक तमा हां डिस्कस कर अंदर का गाल कड़ो तमा उनकी का गाल बुधायो को किसो बुधायो जिको भी ही थियो तो उनसा छा थियो हो बारन की मनत तवा ये बिल्कुल छडी न लियो अच्छा ये टेलीविजन जी ता गाल कई ता टेलीविजन या बंद करे या मानो बिल्कुल टेलीविजन केत्रो जरूरी है बार जे ला सो जेत्री ता हर शे की लिमिट रखो एतदाल पसंदी जगह चबो है ता हर शे के एक लिमिट टाइम ता पढ़ाई के भी मना को फिक्स टाइम के तो बता स्कूल मा जे अचो ता अचो वे जो मानी खाओ नहीं मानो मतलब लाइफ ऑर्गेनाइज रुजन का पता नहीं बिल्कुल मन मुझे आऊं पांच बारन के रूल्स आए के डिसिप्लिन आ रहे हैं सही
तो मुझे ख्याल में सब मदर जो ई कन तो सुठे नमूने लाइफ गुजर ढी आसानी थन थी स्कूल में अची बार अची लंच कर नमाज पढ़न था कलाक या अध कलाक फ्री थी जो कुछ वेट टीवी ऐसो या कुछ भी अध कलाक उनका चार बजे या बुक्स खड़ी उनके फुल ध्यान अटेंशन से ब कलाक पढ़ो उनके पुतांगे 6 बजे ता प्ले टाइम कह छे बार जो फिक्स बे तू वेट करे वन चाहे तू क्रिकेट खेल तू फुटबॉल खेल या तू कंप्यूटर खेल बट वो 2 कलाक है या 1.5 कलाक है उनके पो जे मगरिब का पो जो टाइम थे तो उने बाहर अची वे जी फ्रेश थे उनके पो बाहर के जे भी हां तू पे बुक्स का पो ता डिनर टाइम थी तू वने लो उने में ता बाहर के दियो 9 कलाक मतलब ता के टाइमिंग 8:30 बजे डिनर रखो था तो उनके 1 कलाक दियो तू कुछ पढ़ी बिल्कुल आई सुमा का पे प्लीज बारन के रीडिंग हैबिट जरूर होन को जे को भी बुक लाइक सच्ची गल दा जे छ तो या हैबिट खत्म थीनी पे बने मान ले सो इंटरनेट है बिल्कुल ता बे मोबाइल में ता खोलो ता बुक पढ़ तो लो एक बुक के कडी पढ़ एक टाइम कडी ता के कौन पे घर में कौन है ठाए छियो ता मतलब ये बुक्स पे ता बार के रीड करना ता के चोरा भी ता के मारी को मिलता जैसे बुक ना पढ़ दो या ता के बुक्स स्टोरी ना पढ़ दा ता के औ गल दी सकून नाराज थी दा मदर जी नाराजगी बार की टेंशन कंदी है बिल्कुल बाबा दा सुबह का हुंदा है राजू घर ते हुंदा है उन जी नाराजगी भी बिल्कुल रखे थी लेकिन मां जी गा बार सा वधिक अटैच हुंदा है पंज शेयर कंदा है बिल्कुल बिल्कुल कॉल है कॉल अटेंड करना है अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम शायक भाई केड़ा हाल है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक केर पे गल है सही मुर्तजा लंड पे गल है दुबई में मुर्तजा दुबई का मुर्तजा की है यो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक तांगिया है सर प्रोग्राम प्रोग्राम की रहे हो दुबई वालो तमाम जबरदस्त प्रोग्राम रहे माशाल्लाह तमाम यादगार प्रोग्राम बिल्कुल यादगार हो ना सब ठीक ठाक हुआ हां बिल्कुल ठीक ठाक तमाम जबरदस्त तमाम मेरे दोस्त चयो अच पर मुको सब से मिली हुई भी मेले थ्रू पर छाए कुछ मजबूरी हुई हूं बरसात भी हुई भाई पांजो शादी हुई ते करे अच्छा अच्छा ना ता मिस क्यों बेराडो फाद जुने जो साथ भी हो सा गड वो भी तांगे दाम करो मिस कन पिया जी जी ना मुखे फोन कयो फरत मुखे बुधाय हुई चयो हुई अच्छा चई या ता दोस्त आए टिकट्स मा देणा ने मुकर दल बेरल को सवाल है बारन जा मेरे सा असा सीमा के बगा ता जवाब दे रही हूं मेरे सीमा से सवाल कर से होता था ना बेसिकली जो भाई आने मा के चुका से ने एरो के आहे को रहन में साल मुखे को एरो आहे कौन बेसिकली चे ता सांगे जो बारन के बारे में देतरी नॉलेज ना है तो ता बारन या बाहर आए हम हां पान बाहर दुबई उठा बाहर है हां सही है ठीक है कमाए बाहर अच्छा ठीक है ठीक है हेलो ठीक माजे सा बुदा पे आ रहे हैं तमाम जबरदस्त जो का मैडम उन्होंने बारे में बुदा है सही गाला है पे बारे में थैंक यू बुदा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग थैंक यू सो मच सुभान करे थैंक यू तो सर एक वो एक सवाल है कि वो सवाल भी आता है कॉल पे तुमने कॉल नहीं ली थी वो पता है कि खाना खाने के बाद पेशेंट को क्या करना चाहिए पेशेंट पेशेंट को नहीं खाना खाने के देखिए पेशेंट को खिला देते वो बेचारा वही सो जाता है क्या करे नहीं गलत है ना हाँ। आप अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी रखें देखिए होता है क्या है कि जब आप खाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं नेचुरली 30% सर्कुलेशन आपके पेट में चली जाती है ठीक है और उसकी वजह से ब्रेन में भी थोड़ा कम सर्कुलेशन होती है जिसकी वजह से थोड़ा सा गुनौतगी आती है अच्छा एब्जॉर्प्शन बड़ी तेज हो जाती है अगर आप उसमें एक्टिविटी थोड़ा रखेंगे तो वो एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी ठीक खाने की और वो ग्रेजुअल होगी राइट तो पहले रिसर्च ये किया गया पता चलता है डॉक्टर आपको पहले एडवाइस करते हैं खाना खाने रेस्ट करें ताकि सर्कुलेशन लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दूसरी जो रिसर्च हो रही है उसमें ये कि थोड़ी सी एक्टिविटी करें ताकि सर्कुलेशन मेदे साइड की दूसरी जगह भी जाए एब्जॉर्प्शन स्लो होगी ग्रेजुअल एब्जॉर्प्शन होगी तो उसमें और दूसरे प्रॉब्लम नहीं हो क्योंकि सडन एब्जॉर्प्शन होती है तो बहुत ज़्यादा लोड बॉडी पर पड़ता है ज़्यादा जब ग्लूकोज वगैरह ही जब हम चूँकि कार्बोहाइड्रेट डाइट वगैरह लेते हैं तो उससे शुगर वगैरह बनता है और वो फैट में कन्वर्ट होता है तो हर तरफ से लोड बढ़ जाता है तो ग्रेजुअल एब्जॉर्प्शन से लोड कम हो जाता है ये मेरा मकसद जैसे बच्चों के सवाल हो रहे हैं तो जैसे आज बच्चे को के डिप्रेशन मिल जाता है एक जोर मिल जाता है स्कूल में भी जो वो पढ़ने जाते हैं टीचर्स का जोर था कॉपी फेयर करके लिया और ये भी कर तो वो बंदा वो बच्चा भी वो मेरे ख्याल से वो सेटिस्फाई होता है उसको डिप्रेशन हो जाता है लेकिन बात ये है कि हमारा सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम हमारे सिस्टम का है एजुकेशनल सिस्टम दुनिया भर में बाहर के मुल्कों में इवन बच्चे जब जाते हैं स्कूल में तो किताब वहीं होती है वो घर पर लेके नहीं आ सकते बिल्कुल हाँ वहाँ पर स्कूल्स में ही आप किताब वगैरह छोड़ दिया जाते हैं वहाँ का सिस्टम ये है कि आपको 4 बजे तक पढ़ाते हैं 3-4 बजे तक उसके बाद खेल कूद करते हैं घर में आए हो सो गए सुबह उठते हैं सुबह टीवी में हर वहाँ बाहर के मुल्कों में एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा होता है बच्चे अपना खा पी रहे हैं और टीवी के सामने बैठे हुए काम कर रहे हैं फिर स्कूल गए अपने स्कूल में टीचिंग एक्टिविटीज तरह होती है कि वो सब कुछ लर्न करते हैं हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ सिर्फ थोप दे आते हैं वह सब कुछ ट्रेन करते हैं वह ऑब्जर्व करते हैं
या नहीं है कि 100 बच्चों को एक साथ एक क्लास में बैठा दे। ये आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट खुद किस तरह से अपने आप को ट्रेन करे। अब मैं मैडम सीमा से क्वेश्चन करूंगी। मैडम सीमा, आप बताओ तो स्कूल में जब बार अड़े का जो हरासमेंट वगैरह कुछ मतलब फेस करना है तो पेरेंट्स की क्या डील करनी खपे उन्हें? बिल्कुल इंज यो हों जो दिसो तहां जो बार अगर घर अचे तो आई खामोश है। एक बार जो हुआ इंग स्कूल में कोशिश में चला गया तो टिपड़ इंदो आई चीरा रोला घर धन जो बस जेल में भगो है ना ये लगो तो हां बिल्कुल छुट्टी टाइम पे बाहर एक्साइटेड होता लगो तो कोई खबर ना जो मता को चाह हो जता बगी निकता है। बिल्कुल बिल्कुल जो घर पर थोड़ा रिलैक्स होता है। लेकिन इसो कदे कदे छा थिंदो जो बार हो जको एडो ये खिलंदर कुंड बार चुप थी वने लो आई ता सा दिसो तो खामोश था कि कुंड में तो मानी ना पियो सही का है या ता की रिस्पांस सही कोन पियो दे या उन जो गाल है तो ता पूछो की गाल पर जवाब भी है बियो भी तो के दे माने जी ता सपोज अटेंशन ता ना पियो दे तो उन बता समझे तो समथिंग इज रॉन्ग विद लेकिन अगर दिसो लगी ता के पूछो पों लेकिन उन पूछा जला ता के बार के डाढो करो पों तो तू बाबा ही दाई तो ना पूछ सको छ मसलो ना बुधा लो ता के ता कुछ भी के कोन ज्यादा अग्रेसिव थी ना बार। एग्जैक्टली एक बार का अगर सपोज टेंशन में तो चले रहे उनके खुद में एहतसाब कर खुद पा नॉर्मल सिचुएशन में आने फेवरेट शे चॉकलेट दे ड्रिंक टाइप की शे अटेंशन डाइवर्ट स्ट्रेस लेवल फोन का पुछो तो बाबा गाल है कुछ स्कूल में टीचर कुछ कि स्कूल में बार बुली कहता अक्सर वा बार बार लंच पेरेंट्स टाइम मदर वेचारी यकीन कहो तुम के तो वा बार पूरे बुली कर तो लंच ना दींदे तो को खेले सी या तो लंच ना दींदे तो ग्रुप में तो को रखा ना वो केड़ो वे है जो बार की सुठी तरीके से अगर जिंदगी में तो उन में ता टीचर जो स्कूल में टीचर जो है एनवायरमेंट है तो टीचर दिस तो बार के तंग तो न तो करे भाई घर में मां जो है तो मां दिस तो बार के उन गाल जो सॉल्यूशन यो कडे तो बार समझा तो बाबा ता के कोई तंग पियो गए तो मुखे बुदा मुखे बुदा आई ओ उन मदर खपे तो टीचर सा डिस्कस करे स्कूल बने आई मुझे ख्याल में तो मदर हफ्ते में एटलीस्ट बदखवा दे पंजी टीचर सा मिले कुछ बार जे तो पुछ बार जी छा पी थे एकेडमिक जगह भी उनकी जगह हले पी उनका अलावा उनको पुछो तो बार जो उतो बिहेव है बेन बार से इंट्रैक्शन है उनके बार से क्या खेले तो नो खेले या उनकी को मसलो तो ना है। टीचर के देखो टीचर की टीह पंजी वी बार होता है क्लास में तो फुल अटेंशन नी उनको भी कसूर ना है। लेकिन घणो करे असाजी समझो शहर जहाँ स्कूल में घो पंद्रह बार हूँ वही गोठान प्रॉब्लम अस ना था गाल अस जनरल गाल क्यों तो स्कूल में बार मोस्टली नंढन स्कूल में भी थे तो गोठ स्कूल में बुली करेंट स्कूल स्कूल में पढ़िया तो असा चंदा यार स्कूल केडी शायद का खुश छुट्टी दे हां आजकल तो छुट्टी में बरसात भी है तो बिल्कुल बाहर का आईडी का हैरासमेंट से बाहर लेजी तो थी ता सो चौकीदार है स्कूल में ता सो स्कूल में मासी हुए ता सो स्कूल में कोई स्टाफ है को पीटी टीचर है अच्छा वो बाहर तंग तो कर ये भी हुजन गाल ही सो ये बारन के मेंटली डब डिस्टर्ब कर दी हुए अस समझना ना अस चक ना बारन के ले चना ड्राइवर के हवाले बाबा बन छ बारन के मासूमी पौंदी है पया No, मतलब तहां डिस्कशन जो देखो सेंट्रल आइडिया मुख्य समझ में अच्छे पे वो यू आर पेरेंट्स के पांजे बार के मथा नजर रखन खपे हर एक्टिविटी के मथा अगर वो बाहर बने को तभी खबर होजन खपे घर में अच्छे पे तभी ताके खबर होजन खपे हाने नेक्स्ट छा कदो वो भी खबर होजन खपे बिल्कुल तो पेरेंट्स के इन के मथा नजर रखन खपे वर्किंग वुमन है वर्किंग लेडी है कुछ भी मसलो ना है अगर ता सुबह जो एड्रेस ता पे बाहर स्कूल चले पोता ऑफिस वणो बजा ता ड्राइवर के हवाले के हो या के हवाले के हो आई ने सा मोरल सपोर्ट भी मिलदी बार के त मुजी मदर जको आ इतरो ज्यादा इंटरेस्ट मुजे पर बा यु तो जो बार कुछ त मुजी मदर इंदी आ मुगे स्कूल चले या मुजे बाबा मुगे स्कूल चले नो बाज लायो बडो रिवार्ड बाकी ये वडी गाल हुंदी आ बारन जले करे ले ये वडी सपोर्ट हुंदी आ बार प्राउडली बुधा मुजी मदर तो आती एग्जैक्टली या मेरी मदर तो आती तुम्हारी मदर तो नहीं आती एग्जैक्टली बट डिप्रेस इन यो भी को डिप्रेशन डॉक्टर साहब कह रहे थे कि डिप्रेशन में होता है तो बारन के इग्नोर के बिना घर में चुकी दा सॉरी ड्राइवर्स या मासी वाले हां मानी वो बिठाए रे जाने को खाते में बार इंदा उनकी मानी जिक आडी पिडी जे का भी पकी बड़े बाई चो है कि मां हुंदी ना सो बाय वो सब्जी मानी है जो भी ता व्हाटएवर ठायो है न तो ठाए खाए तो मां उती एकदम बिका शे ठाई दी का सिंपल कबाब ठाई दी सैंडविच ठाई दी को चिप्स ठाई दी का भी टेज का बड़ा बाय के समझो तो उनके खुशी से खाए सके मासी या का ताजी जका खुद ही मैं ढूंढ हुआ तो न कर दी कदी बिना कर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब से मैं क्वेश्चन मेरी एक सब ये डॉक्टर सलवत ने इतनी अच्छी हमें भिंडी बना के दिखाई तो इसके न्यूट्रिएंट्स
कौन से हैं ये, और स्पेशली हमारी स्किन पे कितना इफेक्टिव है? आपको विटामिन और मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, सही मैक्सिमाइज होता ये है कि आपके उसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारी सब्जियां या दाल होते हैं जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जिसे हम कहते हैं फाइटेट ऑक्सलेट, ये आपके बहुत सारे मिनरल्स और उसको एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। तो आप मतलब टेक्निक ऐसी लगाएं कि आप खा तो रहे हैं, मैं ये बोलता हूँ ये चीज़ इसमें